नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं बात कर रही हूँ तोरी ऑयल अपडेट की, जिसके लिए मेरे पास महीनों से रिक्वेस्ट आ रही हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माय यूट्यूब कमेंट सेक्शन, कि जो तोरी ऑयल मैंने आपसे शेयर किया था, क्या उसने मेरे लिए काम किया है। स्क्रीन पे देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड पे जो क्लिपिंग है वो है मेरे बालों की कंडीशन जो आज से 6 महीने पहले थी, और करंट जो सिचुएशन है वो है राइट साइड वाली क्लिपिंग में। मेरे फ्रंट के 85% बाल ग्रे हो चुके हैं बिकॉज मैंने 10 साल से भी ज़्यादा केमिकल हेयर डाई लगाया अपने बालों को कलर करने के लिए, बट तोरी ऑयल लगाया है मैंने। मेरी ही रेमेडी थी जो मैंने चैनल पे शेयर की थी। 6 महीने हुए हैं मुझे और मैं कहूँगी 15% फर्क दिखना शुरू हुआ है। बहुत सारे जो मेरे हेयर स्ट्रैंड ग्रे थे वो ब्लैक हो गए हैं, और बहुत सारी रूट्स कहीं कहीं, यानी कि मैं आगे डिटेल में शेयर करूंगी, कहीं कहीं पे जो मेरी रूट्स हैं वो भी दोबारा रिवर्स होके ब्लैक हो गई हैं। जो ग्रे हेयर की डेंसिटी थी इतनी ज्यादा, वो काफी हद मैं डिटेल में आपसे आज सारा शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत ऑनेस्टली मेरी तोरी ऑयल वाली वीडियो में मैंने आपको साफ बताया था कि ये रेमेडी तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बट मैं अपने ऊपर भी ये पूरा प्रोसेस करके देख रही हूँ कि कितना टाइम लगता है, रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। बिकॉज आपकी तरह मैं भी एक व्यूअर हूँ, और मैं यू नो लोगों की रेमेडीज देख कर ये एक वो यू नो होप आ जाती है कि वी कैन एक्चुअली रिवर्स द ग्रे हेयर। तो मैं ये प्रैक्टिकली करके देखना चाह रही थी अपने ऊपर कि मेरे सारे फ्रंट से बाल ग्रे हैं। जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है, अगर आज मैं थोड़ी सी यू नो ऐसे डाउन लग रही हूँ, या ऐसे मुंह लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, आई एम सो सॉरी, आई हैड कोविड, मैं कोविड से अभी भी जूझ रही हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लुक प्रेजेंटेबल, प्लीज़ बेयर विद मी। सो मेरे चैनल पे 3 रेमेडीज़ थी टू रिवर्स द ग्रे हेयर। एक थी मेरी खुद की तोरी ऑयल बनाने की रेमेडी, दूसरी थी कलिका हेयर ऑयल, जो कि एक रेडीमेड ऑयल था, उन लोगों के लिए वो मैंने शेयर की थी जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या तोरी मिलती ही नहीं है, या इंग्रेडिएंट्स बाकी के नहीं हैं, या बनाना नहीं चाहते हैं और जस्ट एक रेडीमेड ऑप्शन चाहते हैं, तो उस वाले कलिक ऑयल में भी तोरी था, तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया था कि आप घर पे नहीं बना पा रहे हो तो रेडीमेड वाला यूज़ करके देख लो। देन एक और थी ब्लैक स्ट्रैप मोलेसेस, जिसको अगर हम डेली खाते हैं तो वो भी कहा जाता है कि यू नो ग्रे हेयर को रिवर्स करके आपका जो ब्लैक या ब्राउन कलर है उसमें वो रिवर्स कर देता है। प्री मेच्योर ग्रे हेयर की बात कर रहे हैं, अगर आपकी एज 40s में है या 50s में है, 60s में है, और आपके अब तो ग्रे बाल आने ही हैं, वो वाले नहीं होंगे रिवर्स। जो आपका केमिकल लगा लगा के कह लो आप यू नो जेनेटिक वाले भी नहीं होंगे रिवर्स। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जेनेटिक अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके जीन्स में ऐसा है कि प्री मेच्योर ग्रे हेयर आपकी फैमिली में जल्दी होते हैं, उस पर भी ये काम नहीं करेगा। आई डोंट थिंक सो, जेनेटिक जीन्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, उन पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस रेमेडी का। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ उनके जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स लगा रहे थे, और यू नो केमिकल लगा लगा के आपके ब्लैक से वाइट हो चुके हैं या ग्रे हो चुके हैं, उनको रिवर्स करने की बात हो रही है। तो नाउ आई वांटेड टू ट्राई दिस, चेक कि पूरा ये यू नो काम करता है कि नहीं करता है तोरी ऑयल का जो रेमेडी है। सो आई स्टॉप्ड यूजिंग ब्लैक स्ट्रैप मोलेसेस, क्योंकि अगर मैं 3-4 चीज़ें इकट्ठे करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सी रेमेडी काम की है। मोलेसेस खाने से काम हुआ है, या यू नो कलिका ऑयल से काम हुआ है, या मेरे खुद के तोरी ऑयल से काम हुआ है। तो तोरी जो कलिका ऑयल था वो आई स्टॉप्ड यूजिंग आफ्टर 1.5-2 मंथ मैंने बंद कर दिया था। ब्लैक स्ट्रैप मोलेसेस भी मैंने 2-3 महीने खाया था, बंद कर दिया था, बट आई वॉन्टेड टू रियली गिव इट अ शॉट फॉर दिस तोरी ऑयल होम मेड वाला। सो वो सब मैंने बंद कर दिया है, और अभी जो करंट कंडीशन है या जो रिजल्ट मिले हैं, आई कैन डेफिनेटली से वो मुझे तोरी ऑयल से मिले हैं। मेरे जो फ्रंट के ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये काफ़ी हद तक वापस से डार्क ग्रेज कह लो आप, या जो ग्रे हेयर थे ना वो टर्न हो चुके हैं। अभी मैं आपसे अपनी पुरानी वीडियो और अपनी नई जो करंट मेरा सिनेरियो है वो दोनों शेयर करूँगी। पुरानी में आप देखोगे कि मेरे सारे फ्रंट के 2-2 इंच बाल ऑलमोस्ट ग्रे हैं। मैंने जो अपनी यू नो इंडिगो और हेना की रेमेडीज़ करके दिखाई हैं, उसमें बहुत ऑनेस्टली मैं शेयर करती हूँ मेरे ग्रे हेयर, तो आप उसमें देखोगे कि तो सारे मेरे फ्रंट से पूरे के पूरे ऑलमोस्ट
80-85% सारे ग्रे हैं, बट अभी जो करंटली मैंने एक दो रेमेडीज करके दिखाई है जिसमें मैंने अपने ग्रे हेयर शेयर किए थे, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा फर्क है इन द लेंथ ऑफ ग्रे हेयर, प्लस कहीं कहीं पे तो ग्रे हेयर गायब हो गए हैं, आई थिंक दे हैव टर्न्ड ब्लैक, क्योंकि जो वाइट हेयर मुझे ग्रे हेयर वहाँ दिखते थे ना ऐसे गुच्छे गुच्छे में बहुत सारे सारे, वो मुझे दिखना बंद हुए हैं। दूसरी बात, जो भी मैं रेमेडी करती थी पहले भी और अभी भी कर रही हूँ, इंडिगो और हेना वाली नेचुरल अपने बालों को ब्लैक करने की, उसका कलर और ज़्यादा टिकता है, पहले बहुत जल्दी फेड होता था, उससे ज़्यादा टिकने लगा है। देन लास्ट टाइम जब मैंने मेंशन की थी ये वीडियो और मैंने रिसर्च जो की थी उसके बेसिस पे कहा जाता है कि तोरी ऑयल आपकी जड़ों पे काम करता है, आपकी जड़ों से बालों को ब्लैक करता है, बट आई डोंट नो हाउ, मेरे केस में जड़ों से तो काम कर ही रहा होगा, अभी 6 महीने हुए हैं, इट्स टू सून टू से। मैंने नोटिस किया है कि मेरे बालों की स्ट्रैंड्स ब्लैक हुई हैं, डार्क ग्रे हुई हैं, और जो वाइट पूरे 6-6 इंच के वाइट होते थे ना, नॉट 6-6 इंच, 2-2 इंच के जो मेरे वाइट होते थे वो अब कम हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी रूट्स हो गई हैं। सो आई एम बिलीविंग इन दिस कि मेरे जो स्ट्रैंड्स हैं वो ब्लैक हुए हैं, और यहाँ से इस वाले पार्ट से और थोड़े से इस वाले पार्ट से जो रूट्स थी ना कई बालों की, वो भी ब्लैक हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो डेंसिटी ग्रे बालों की मेरे यहाँ होती थी, पूरे के पूरे ही ग्रे होते थे, आई कैन नॉट इमेजिन। अब मैं कंपेयर करती हूँ उन दोनों वीडियोज़ को, तो आई गेट रियली हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि अभी तो सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं इस रेमेडी को यूज़ करते हुए, आई एम होपिंग टू यूज़ इट फॉर अनदर 6 मंथ और मे बी फॉर लाइफ टाइम टिल द टाइम आई गेट गुड रिजल्ट। तो 6 महीने का अपडेट ये है कि इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई हेयर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, ये टाइम लेंगी, 2 महीने बाद ही आप मुझसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था और अब तो इतने डेली बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर 6 महीने में रिजल्ट मिल गया है तो आपको भी मिल जाएगा, बट आई वुड डेफिनेटली से कि आप इस रेमेडी को कंटिन्यूसली करें। मैंने हफ्ते में 3 बार ये रिकमेंड किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट हफ्ते में 3 बार मैं भी इसे नहीं लगा पाई हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ 2 बार तो इसको ज़रूर लगाऊँ। जनरली जब भी शैम्पू करती हूँ रात को 1 दिन पहले उसको लगा कर एंड देन आई शैम्पू, तो 3 बार अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार तो आपको करना ही होगा, और कंसिस्टेंट रहें, ये ट्रस्ट रखें कि काम करेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसी रेमेडीज़ के लिए सोचते हैं अरे पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, और आधे मन से करते हो। वैन यू डोंट गिव योर 100%, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, योर एवरीथिंग इन टू दैट, जो भी आप टास्क कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ये मेरा मानना है। सो अगर आप कुछ करना शुरू कर रहे हो, जस्ट पुट एवरीथिंग इन टू इट, अपना ब्रेन, अपना विश्वास, अपना पूरा फिजिकल, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ करोगे तो यू विल गेट मोर गुड रिजल्ट। सो 6 महीने का अपडेट आपको मैंने बता दिया है, बाकी आई एम प्लानिंग कि ऑलमोस्ट 10th मंथ के बाद मैं आपसे फिर से शेयर करूंगी कोई मुझे क्या चेंजेस दिखने को मिले, और अपडेट आपके पास आते रहेंगे। सो यूट्यूब पे आपने ये जो वीडियो है तोरी ऑयल की बहुत सारी देखी होंगी, बट आई डोंट थिंक जो किसी ने अपना पर्सनल आपसे यू नो शेयर किया है वेरी ऑनेस्टली। मैंने देखी है तोरी ऑयल बनाने की रेमेडीज़, बट ना लोगों ने अपने ग्रे हेयर दिखाए हैं, ना उन्होंने ये दिखाया कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मैंने भी वहीं से शुरुआत की थी, मुझे भी रेमेडीज़ ऐसे पता चली पढ़ने के बाद, इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद, बट आई मीन मेरा चैनल अगर आप पूरा फॉलो करते हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि मेरी जितनी भी रेमेडीज़ हैं, चाहे वो मेरी स्किन की थी, चाहे मेरी हेयर की थी, आई हैव शोन माई रियल स्किन, जो भी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो होती है विदाउट एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर और फिल्टर्स मैं शूट करती हूँ। ग्रे बालों की हैं तो आई शो माई ग्रे हेयर वेरी ऑनेस्टली टू यू, सो दैट यू गेट दैट बिलीव कि भाई ग्रे हैं और कलर आया है। सो आप आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे तोरी ऑयल को लेके वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। अभी तक अगर आप इस अपडेट की वेट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत असर दिखेगा तो हम भी करना शुरू करेंगे, तो आई वुड से कि यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट, बट आई एम नॉट श्योर अब तोरी मार्केट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो लोग जो ऑलरेडी बना चुके हैं कर रहे हैं, आई वुड से कि करते जाएं। नेचुरल रेमेडी आई वॉज प्रिपेयर्ड पूरे 1 साल के लिए कि मैं इस रेमेडी को 1 साल का टाइम दूंगी,
और अगर नहीं काम करेगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी, बट थोड़े बहुत रिजल्ट्स जो मुझे मिले हैं वो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ. हो सकता है मुझे ना मिलते, जब मुझे सेकेंड मंथ से ही मुझे क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे, सो आई वॉज थिंकिंग कि अभी मैं क्या शेयर करूँ, आई डोंट सी एनी रिजल्ट यू नो, तो क्या बोलूँ कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया है. दैट इज़ टू सून फॉर अ नेचुरल रेमेडी टू वर्क ऑन योर हेयर. आई मीन ये मजाक नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिंग योर ग्रे हेयर. कोई मजाक नहीं चल रहा है, इट्स रियली सीरियस. और थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा विश्वास रखें, एंड देन यू डू द रेमेडी. बाकी जो अपडेट है वो मैं शेयर करती रहूँगी. आई होप मेरी वीडियोस से आपको प्रूफ मिल गया होगा, मेरी बातों से आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हाउ डज़ इट वर्क. सो आई एम होपिंग कि मेरे बाल जो कंडीशन चल रही है आगे जाके यू नो थोड़े से और रिवर्स होते जाएं. इवन इफ दे गेट रिवर्स 70%, 75%, आई बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज आई एम इन माई लेट 30s, आई एम 37 एट द मोमेंट. अब वो टाइम मेरा भी आ रहा है कि ग्रे हेयर नेचुरली होने ही है. सो अगर 70% या 75% भी मुझे रिजल्ट मिल जाता है, आई बी मोर देन हैप्पी. एंड जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी 100% ऑनेस्टी के लिए. अगर आपको मेरा चैनल, मेरा कॉन्टेंट, मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. बहुत जल्दी मिलूंगी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज़ के साथ, विद फुल ऑनेस्टी, पूरा एकदम क्लियर कट आपके साथ शेयर करूंगी. तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय.